बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि यार मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, कभी कि हमारे सर अहमद शफी को वर्ल्ड का बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल रहा है प्रोफेशनल टीचर्स में, कहीं 20 पोजीशंस एक अटेम्प्ट में आ रही है इंस्टीट्यूट की, तो लोग कह रहे हैं यार ये हाउ इज इट पॉसिबल, यानी ये बड़ा अनरियल सा लगता है और वाकई ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ बच्चों से कि ये कोई आज की बात नहीं है, यानी ये आप ये मत समझें कि हमने आज मेहनत की और आज ये सब हो गया, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, यानी 20-25 साल की पूरी हिस्ट्री है और हम सबकी पास्ट में हिस्ट्री में ऐसे ऐसे किस्से हैं, आप सुने आप मोटिवेट हो जाएंगे। और मुझे खुद याद है मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी और फिर मुझे सर शफी ने उसके बारे में और बताया कि मुझे याद है जब सर शफी और मैं स्टूडेंट थे, हम लोग ऑलमोस्ट साथ ही पढ़ रहे होते थे, तो सर शफी इतना सख्त आदमी था कि वो मेरी कॉल नहीं उठाता था, यानी जब आखिरी महीना आता था ना तो दिन में एक घंटे के लिए, उस टाइम स्मार्टफोन तो था नहीं, तो एक घंटे के लिए वो फोन ऑन करता था, तब जाके हम लोग दोस्त थे फिर भी बात करते थे। तो अभी मैंने उसका वीडियो बनाई ना, तो उस दिन इसने मुझे एक और बात आई, इसने कहा कि बोला तुम लोगों से तो मैं एक घंटा बात कर लेता था, बोला जब मैं इंटर मैट्रिक में था ना तो बोला उसमें तो मेरे दोस्त पढ़ते ही नहीं थे, वो शरारती ग्रुप था उनका एक, मैं जानता हूँ उस ग्रुप को भी, तो बोला वो तो पढ़ते ही नहीं थे, तो बोला मैं तो पढ़ने वाला बच्चा था, तो वो लोग आखिरी दिनों में पढ़ने के लिए मेरे पास आते थे और मेरा टाइम वेस्ट करते थे, तो बोला मुझे आज भी याद है मैं 14 डेज के लिए अपना घर छोड़ के अपनी दादी के घर चले गया था और वहाँ जाके मैंने पढ़ा। तो यानी देखिए ये हिस्ट्री है कि जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा काम करते हैं ना, उनके बैकग्राउंड ये वो स्टार्टिंग से ही अलाइंड होते हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, इससे मोटिवेशन लें।